की लॉक चोर। एक गांव में थंपी कहकर एक चोर रहता था। वो दिन में ताला लगाया हुआ घरों को देखता था। और रातों में उन घरों में जाकर चाबी के गुच्छे के साथ उन ताले को खोलने के लिए बहुत कोशिश करता था। वो जितना भी कोशिश करने के बावजूद कोई भी चाबी उन ताले में नहीं घुसता था। आखिर में हथौड़े से उस ताले को तोड़ने के लिए कोशिश करता था और उस आवाज से आमने सामने वाले उठ जाते थे। फिर थंपी उधर से भाग जाता था। एक दिन थंपी पराग कहकर एक सीनियर चोर से मिला। हाँ कहो भाई, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? गुरुजी, मैं एक ताले को भी नहीं खोल पा रहा हूँ, उसके वजह से एक भी चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर में जिंदगी गुजारने के लिए पिक पॉकेटिंग करना पड़ रहा है सर, आपको ही मुझे कोई रास्ता दिखाना होगा। तुम्हारा वीकनेस मुझे पता चल गया है। एक एक चोर के पास एक एक वीकनेस रहता है। तुम्हें तो घबराहट और डर ज्यादा है, इसलिए तुम आराम से ताला नहीं खोल पा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। हमारा गांव में वैज्ञानिक थालपड़े एक लेजर चश्मा का आविष्कार किया। उससे निकले हुए लेजर रेस से कितना भी भारी लोहा को आवाज किए बिना आसानी से काट सकते हैं। इसलिए अगर तुम जैसे भी करके वो चश्मा चुरा लिया तो तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। अरे वाह, इतना अच्छा सलाह दिया है गुरुजी। जो भी है, सीनियर तो सीनियर ही होता है, कहकर उनको प्रणाम किया। अगले दिन थंपी प्लम्बर के भेष में थालपड़े के घर गया। सर, आपके बाथरूम में नल काम नहीं कर रहा है कहकर मुझे फोन आया है, अंदर जाके चेक करता हूँ। ऐसा है क्या? लेकिन कंप्लेन कौन दिया है? मेरी बीवी ने दिया होगा, लेकिन वो बाहर गई। ठीक है, तुम जाकर देखो। और थालपड़े अपने काम करने लगा। तब थंपी लैब में घुसकर हर जगह ढूंढा। आखिर में उसको वो लेजर चश्मा दिखाई दिया, उनको लेकर जेब में रख दिया। प्रॉब्लम सॉल्व सर, मैं जाता हूं, कहकर उधर से चला गया। उस रात को थंपी एक घर में गया। उस घर के ताले के सामने खड़े होकर उस चश्मे में एक बटन दबाया। तब उस चश्मे में से लेजर रेस निकले और बस वो ताला कट गया। तब थंपी आसानी से घर के अंदर जाकर पैसे चुरा लिया। उस गांव में एक पुराना मंदिर रहता था। उसके अंडरग्राउंड कमरे में निधि रहता था और उस कमरे को एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। वो बात उस मंदिर का पुजारी के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। एक दिन थंपी उस पुजारी के घर में घुसा, अलमारा खोला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। थंपी निराश हो गया था। उधर पुराने ताल पत्र के ग्रंथ थे और थंपी उनको खोलकर देखा। उसमें मंदिर के नीचे रखा हुआ निधि के बारे में लिखा हुआ था। तब थंपी आनंद नहीं सह पाया। अगले दिन थंपी उस मंदिर के अंडरग्राउंड में गया, उस कमरे के पास गया और उस ताले के पास जाकर उनका लेजर चश्मा लगाया। बटन दबाते ही उसमें से लेजर रेस निकले, बस वो ताला यूं ही कट गया। थंपी दरवाजा खोलकर अंदर गया। उधर बहुत सारा निधि था। उनका आंख चमक गए। इतने में उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। थंपी हैरान हो गया। इतने में एक आवाज सुनाई दिया, अरे ओ दरिंदर, कहीं के भगवान का धन को ही चुराना चाहते हो? अब तुम मरने तक इसी कमरे में सड़ो, बाहर नहीं जा सकते हो। केवल ताला खोलने से ये सब संपत्ति तुम्हारा हो जाएगा, सोचे हो क्या? अब से तुम इस सोना को खाकर जियो, कहकर सुनाई दिया। वो सुनकर थंपी घस खाकर गिर गया। उस दिन से थंपी बाहर नहीं निकला और वो निधि के बारे में और किसी को भी पता नहीं चला।